दोस्तों एनिमल किंगडम में जो दबदबा सांप का है वो शायद ही किसी और जीव का है, और इसके पीछे कारण है इसका दुनिया भर में सबसे अधिक डेथ रिकॉर्ड। अपने एक ही खतरनाक वार से सीधे यमराज के द्वार पर पहुंचा देने वाले प्राणी धरती पर कई किस्म के पाए जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ बेहद हैरान कर देने वाले सांपों से आज हम आपको अपने इस वीडियो में रूबरू करवाएंगे, जिनको देखने के बाद शायद आपके पसीने छूट जाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए आइए शुरू करते हैं हमारे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मौजूद होगनो स्नेक से। दोस्तों आपने कई प्रकार के सांप देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपका सामना होगनोज नाम के एक ड्रामेबाज सांप से हुआ है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला यह सांप दुश्मन को देखते ही बचाव के लिए दो तरह के नाटक करता है। पहले डराता है और फिर भी अगर चाल काम न आए तो खुद ब खुद मरने का नाटक करता है। अपनी इसी यूनिक क्वालिटी की वजह से उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले सांप नौटंकीबाज कहलाता है। खतरा महसूस होने पर ये भाई साहब पहले फुफकार कर धमकी देते हैं और दुश्मन की तरफ फन उठाकर खतरनाक होने का नाटक करते हैं, और फिर भी अगर बात नहीं बनती तो मुंह खोल कर उल्टा होकर जमीन पर किसी मिर्गी के मरीज की तरह लेट जाते हैं। इसे देखकर शिकारी इसको मरा हुआ समझकर अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। प्राकृतिक रूप से कलाकार होने की वजह से इन जनाब को जॉम्बी स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। हमारी इस तूफानी लिस्ट में अगला नाम है तूफान की तरह उड़ने वाले एक ऐसे सांप का जो इतने जहरीले तो नहीं है, मगर इनका खौफ अनेक जहरीले सांपों से कहीं ज्यादा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग स्नेक की, जो पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़कर जमीन पर उतर आने का अद्भुत टैलेंट रखता है। इस प्रक्रिया में ये खास तरीके से हवा में हिलते हैं, जो अंग्रेजी भाषा का अक्षर एस के आकार का होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में हम अनडोलेशन कहते हैं, और इसी कारण इन्हें ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। दोस्तों ये दुनिया के अकेले ऐसे सांप हैं जो इस तरह की काबिलियत से परिपूर्ण है और सामने आने वाले को एक नजर में डराने के लिए काफी भी है। इनमें से सबसे ज्यादा करीब शोपलिया प्रजाति के स्नेक को उड़ने वाला सांप माना जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा भारत, श्रीलंका और चीन में भी पाए जाते हैं। होर्नेड वाइपर। अफ्रीका रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले सांप देखने में पीले रेतीले रंग के होते हैं, जो अपने इस आकार की वजह से आसानी से रेत के अंदर छुपकर न सिर्फ अपने आप को भारी गर्मी से बचाते हैं, बल्कि शिकार पर बारीकी से दबोचने का भी काम करते हैं। बाकी रेतीले सांपों की तरह ये भी साइड बाइंडिंग की मदद से ट्रैवल करते हैं। फिर पर इस खतरनाक से दिखने वाले सींग की वजह से साइंटिस्ट द्वारा इनका नामकरण हॉर्नेट वाइपर, जो वैसे तो अक्सर छिपकली और छोटे मोटे मेंबर्स को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं, परंतु अगर इन्होंने एक बार हम इंसानों को काट लिया तो उल्टी से लेकर हार्ट अटैक तक से मरना तय है। स्पिटिंग कोबरा। आज हमारे इस लिस्ट में इस सांप का होना सचिन के सेंचुरी में आखिरी एक रन की तरह है, जिसके बिना शायद सफी का ही रह जाएगा। इनका इस लिस्ट में होने का कारण है इनके द्वारा दुश्मन पर थूका गया इनका जहर, जो सांपों की इस दुनिया में एक अलग ही अंदाज रखता है। देखने में लाल शरीर और काले सिर वाले स्नेक आसानी से अपनी त्वचा के कारण पहचाने जा सकते हैं। दोस्तों ये सांप इतने डेंजरस होते हैं कि सामने खतरे को देखते ही अपनी त्वचा को फैलाकर आवाज निकालकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, या फिर यूं कहें ये चांस देते हैं, मगर बात ना मानने पर ये डायरेक्ट अपना जहर मुंह से उगलकर पूरा खेल ही पलट देते हैं। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसानों की आंखों पर पड़ते ही उन्हें अंधा करने की बेजोड़ क्षमता रखता है। येलो बेलाइड सी स्नेक। दोस्तों पीले पेट वाले समुद्री सांप सागर की दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, जो हाइड्रोफिश के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अपने पीले रंग के पेट के कारण इसे येलो बेलाइड सी स्नेक के नाम से पुकारा जाता है, हालांकि इसकी कमर का रंग थोड़ा भूरा होता है। अपने रंग की वजह से इन्हें आसानी से समुद्री सांपों की श्रेणी में पहचाना जा सकता है। तैराकी में एक्सपर्ट इन सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिक्स पाया जाता है, जो किसी भी शिकार को मिनटों में शून्य करने के लिए काफी है। आपको बता दें ये सांप अटलांटिक महासागर को छोड़कर पूरे विश्व में पाए जाते हैं। सुंडा आइलैंड पिट वाइपर। वैसे तो आपको संसार में काफी कलरफुल स्नेक्स देखने को मिल जाएंगे, मगर स्क्रीन पर दिख रहे इस खूबसूरत सांप की बात ही अलग है। परंतु दोस्तों इससे पहले कि आप इसकी मोहिनी सूरत पर जाएं और इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाएं, हम आपको बता दें ये ब्लू वाइपर दुनिया के उन विषैले सांपों में गिना जाता है, जो मौका पाते इंसानों को भी नहीं छोड़ते। इंडोनेशिया में पाए जाने वाले यूनिक सांप जितना अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, उतना ही अपने अग्रेसिव बर्ताव के लिए बदनाम भी है। तो बस ये हम आपको इनसे दूर रहने की सलाह देंगे। टाइगर स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला टाइगर स्नेक दुनिया के टॉप 10 खूंखार सांपों के लिस्ट का एक खास मेंबर है। इसका साइंटिफिक नाम नोटचेस स्कोटेट्स है, जो अमूमन दो प्रजातियों में पाए जाते हैं, ब्लैक टाइगर स्नेक और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया टाइगर स्नेक। हालांकि दोनों जहरीले होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक टाइगर स्नेक होता है। इसके जहर की मात्रा
100 मिलीग्राम 25 इंसानों की जान लेने में कारगर है और समय पर इलाज न मिलने पर इसके द्वारा 40% लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। टाइगर स्नेक के जहर में न्यूरोटॉक्सिन, कोगुलंत, हाइमोलिसेंस और मायोटॉक्सिन भारी मात्रा में पाया जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शक्तिशाली जहर के कारण इंसानी शरीर मिनटों में पैरालाइज होकर आपा खो देता है। ब्लू कोरल स्नेक, किलर ऑफ किलर के नाम से विश्वविख्यात ये सांप दूसरे जहरीले सांपों के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। सांप आपको ज्यादातर सूखी पत्तियों के बीच साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड और जावा में देखने को मिल सकते हैं। जमीन से जुड़े सांपों की बेरहमी का आलम आपको इस बात से पता लग जाएगा कि अपने जैसे दूसरे चेहरे के सांपों को भी खाने से नहीं कतराते। इसी कारणवश इन सांपों का जहर बाकी सांपों के मुकाबले अधिक जानलेवा होता है, जो किसी व्यक्ति के शरीर के हर्ट को थाम देता है और वक्त पर इलाज ना मिलने पर मौत के द्वार पर भी पहुंचा देता है। हम बस आपसे यही कहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन्हें देखते ही आप 9-2-11 हो जाएं। दोस्तों, वैसे आपको इनमें से कौन सा स्नेक सबसे अधिक खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अनगिनत लाजवाब वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्काईपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय बाय बाय।